Assalamualaikum students. First of all, I want to convey an important message. It is necessary to do practice of what you learn here because you know very well this is the only process through which we continue our learning process during the prevailing situation of pandemic COVID-19. As you know, this virus spreads through social interaction. So stay home and stay safe. We have to follow some myriad precautions like don't touch your face, nose, and keep the social distancing, like wash your hands frequently. In my opinions, it was a very important message which I want to convey it to you. Now moving towards our main topic, that is questions answer. As you know very well, we have already read Juna 2, words meaning and translation. Today we will read questions and answer of Unit 2. Its name is patriotism. Let's we start from first question. How will you define patriotism? How will कैसे करेंगे you आप define बयान patriotism हुबुल वतनी को? कैसे आप हुबुल वतनी को बयान करेंगे? पैट्रियॉटिज्म मीन्स लव फॉर patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. हुबुल वतनी का मतलब वतन से मुहब्बत या किसी एक मुल्क से वफादारी है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियॉट. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियॉट. एक मुहब्बे वतन में कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं या एक मुहब्बे वतन में कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? अब हम देखते हैं, हमने पहले भी इस चीज़ का डिफरेंस देखा था कि हियर दिस वर्ड मीन हुब्बुल वतनी, वतन से मुहब्बत, पैट्रियॉटिज्म. ये वर्ड है हमारे पास पैट्रियॉट. पैट्रियॉट मीन मुहब्बे वतन, वतन से मुहब्बत करने वाला. आ पैट्रियॉट लव्स हीज country and is willing to sacrifice when the
need arises for a patriot sovereignty, integrity, and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मुहब्बत करता है और उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है when the need arises, जब भी ज़रूरत पड़े. For a patriot, एक मुहब्बे वतन के लिए सोवरेनिटी सालमियत इक्तदार आला इंटेग्रिटी सालमियत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और मुल्क की इज्जत आर सुप्रीम वैल्यूज़ आला इकदार हैं ऑन विच नो कम्प्रोमाइज कैन बी मेड जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री. एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान What are your duties towards your country? पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आपकी अपने मुल्क के लिए कौन सी जिम्मेदारियां हैं कौन से आपके फ़र्ज़ हैं. As a citizen of Pakistan, My first duty towards my country is devotion to It we should work hard for the progress and prosperity of our country. As a citizen of Pakistan, Pakistan का शहरी होने की हैसियत से my first duty, मेरा पहला फ़र्ज है towards my country, मेरे मुल्क के लिए is devotion to it, उससे वफादारी. पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से मेरा जो फ़र्स्ट फ़र्ज़ है
मेरे मुल्क के लिए वो क्या है उससे वफादारी. वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री. हमें करना चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए फॉर द प्रोग्रेस तरक्की के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी खुशहाली के लिए ऑफ आवर कंट्री. अपने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए. Our last and fourth question is, what makes us stay alert in the wake of foreign invasion? What makes us stay alert? क्या हमें चुकन्ना रखती है in the wake of की सूरत में के नतीजे के तौर पर foreign invasion बैरूनी हमलों के. What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? हमें बैरूनी हमलों की सूरत में क्या चीज़ चुकन्ना रखती है? The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. कौन सी चीज़ हमें बैरूनी हमलों की सूरत में चुकन्ना रखती है? द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी का जज्बा. मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हमें बैरूनी हमलों की सूरत में हुब्बुल वतनी का जज्बा चुकन्ने रखता है, चौकस रखता है. स्टूडेंट्स, नोट द डायरी प्लीज़. स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन हमने आज पढ़े हैं, फोर क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपने ये फोर क्वेश्चंस अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखने हैं और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है. अल्लाह हाफिज़.